हम बजीज के लिए जो है कैच सेटअप करेंगे, ऐसा केज एक सेटअप करेंगे कि छोटा हो, खूबसूरत भी लगे और बजीज उसमें ठीक से ब्रीड भी कर सके दोस्तों। तो ऐसा जो है आज हम केज सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है जी। पेयर में लेके आया था अपने दोस्त के घर से, ठीक है जी, वाइट मेल ये फेलो क्रस्टेड की लाइन में से, और इसी की जो है एक फेलो क्रस्टेड की लाइन में से रडाई टफ्टेड की फ़ीमेल थी। तो बड़ा पुराना ये हमारा पेयर था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके घर का पेयर था, ठीक है जी। गलती से मुझसे फ़ीमेल इसकी उड़ गई है। अब मेरे दोस्त पता नहीं वो खफा हैं किस बात से, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो भाई सॉरी, जिस भी बात से आप खफा हैं वो ना रिप्लाई कर रहे हैं ना कॉल्स उठा रहे हैं, तो ठीक है जी दोस्तों, शायद इसी बात से खफा हैं कि शायद मुझसे फ़ीमेल उड़ गई है। तो पेयरिंग अभी मेरे ख्याल में इनकी नई हुई है क्योंकि सेट नहीं थे, तो फिर ये फ़ीमेल जो आदिल भाई की शॉप से मैं परचेज़ करके लाया था, ठीक है जी, ब्रीडर फ़ीमेल थी, एग्स पे लोड थी, तो एग्स वगैरह इसने मेरे पास आके ज़मीन पे दे दिए थे। अब इंशाल्लाह मैं नया केज सेटअप करने जा रहा हूँ इनका, उस पर ये पेयरिंग तो मुझे लग रहा है कि हो गई है इनकी, तो नया केज सेटअप करने जा रहा हूँ, उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। बाकी घर का काम थोड़ा सा रहता है, उसके बाद मेरा मूड है कि मैं खुटे नई तरीके से परफेक्ट तरीके से बनाऊँ हमारे मुर्गों के लिए, असील्स के लिए। और हाथों हाथ अब खुटों को हमने प्लास्टर कराना है, क्यों प्लास्टर नहीं कराएंगे दोस्तों, उससे चिच्चड़ जो हैं वो जाके बस रहे हैं उनकी दीवारों में, उनकी छिरियों में, जो जो छिरियाँ बन रही हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो अब सारा जो है हम लेके चलते हैं इंशाल्लाह, बस ये महीना गुजर जाए, खुटे वगैरह तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊँगा और नए असील्स भी लेके आऊँगा। तो संडे वाले दिन मूड है मेरा, मैं जाऊंगा बड़ी मार्केट, तो वहाँ की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है कि वहाँ से मैं असील परचेज़ करके लाऊं, और खुड्डों का काम भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शुरू करवाऊंगा, पुराने खुड्डे हम तोड़वा देंगे, तो असील का शौक हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा काम रह गया बस इस महीने के बाद, उसके बाद घर में भी शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग होने के बाद भी फिर रेगुलर आपकी बेसिस पे जैसी टॉपिक्स पे वीडियो आती हैं वैसी वीडियो आया करेंगे, ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है जी दोस्तों। ये केज है, ये केज जो है 850-900 रुपये का फ़िलहाल अभी जो न्यू प्राइस चल रही है इसकी, इतने का आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। साइज़ मुझे कंफर्म नहीं है अभी इसका, तो इतने का आपको ये केज मिल जाएगा दोस्तों। जाली आप इसकी नीचे से लगाएं ऊपर से लगाएं या आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है जी। तो ये केज है परफेक्ट बजीज के लिए, एक पेयर के लिए। इसमें आप लकड़ी की स्टिक लगाएं, मैं स्टिक्स भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पूरी वीडियो ये बजीज के ऊपर बना रहा हूँ मैं, बेस्ट जो चीज़ें होती हैं बजीज के लिए, ये बजीज पैरट्स के शौक जो रखते हैं हमारे दोस्त जो शौकीन हैं उनके लिए बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है जी। सबसे पहले चौरस स्टिक है ये हमारी, ठीक है जी, बजीज के पैरों की ग्रिप अच्छी बनती है, इस पर चौरस स्टिक आप लगा सकते हैं, और मेटिंग के लिए जब फीमेल बैठती है तो इस पर जो आके आपका इस तरीके से उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी। उसके अलावा गोल स्टिक भी बेस्ट है दोस्तों, ये खुरदुरी है, ठीक है जी, इस पर बजीज के जब पैर रखेंगे तो उनके नेल्स जो है अच्छी तरीके से इस पर ग्रिप बना लेंगे, तो ये भी जो है उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा प्लास्टिक वाली आजकल चल रही है, इनमें जो कैमरामैन करीब से फोकस करें, इसमें बारीक बारीक सी ये धारियाँ बनी होती हैं, इससे बजीज के पैरों पर जो है ग्रिप बन जाती है दोस्तों, ठीक है जी, तो इससे बजीज के पैरों पे ग्रिप बन जाती है। तो ये प्लास्टिक वाली डंडी भी अच्छी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों लगा लें, वो भी बेस्ट है, प्लास्टिक वाली भी लगा लें वो भी बेस्ट है, ठीक है जी। लकड़ी किसी भी किस्म की लगाएं, मगर ऐसी लगाएं जिससे बजीज को क्रॉस करने में, मेट करने में हिलें डुलें, तो जब वो गिरे नहीं फीमेल या उनमें कोई हलचल पैदा ना हो, आराम से ग्रिप कर लें, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी दोस्तों, मेरे पास एक यूज़ में बॉक्स पड़ा हुआ था, ठीक है जी, ये है फिशर का, ये है फिशर का बेसिकली, तो ये यूज़ में मेरे पास पड़ा हुआ था, तो अब ये मैं लगाने जा रहा हूँ बजीज के अंदर। तो ये साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है फिशर वाला साइज़, क्योंकि बजीज के लिए जो बॉक्स होता है वो छोटा हो जाता है, ये अमूमन इसी साइज़ का बनवाया करें बॉक्स, ये चेक कर लें, ठीक है जी, साइज़ बेस्ट है ये बजीज वगैरह के लिए, ये साइज़ बेस्ट है। अब जो यूज़ में बॉक्सेज हैं आप लोगों के पास, उसमें सबसे पहले आपने करना ये है कि बारीक बारीक कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक देख लें, ठीक है जी, इंसेक्ट किलिंग पाउडर जो है आपने कोई सा भी इसमें आपने लगा देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि जिसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाएं, और जब फीमेल वगैरह अंदर ब्रीडिंग के लिए जाए तो उसके बच्चों वगैरह को तंग ना करें, ठीक है। लगा के आपने 5-10 मिनट बाद इसको फौरन जो है साफ़ कर लेना, झाड़ू वगैरह कपड़ा वगैरह मार के, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं अब मारने जा रहा हूँ, ठीक है जी, चारों तरफ इसकी जो वॉल्स हैं दीवारें इनके कोने खाँचों में हो जाते हैं, तो ये चेक करें, सब जगह लगा दूँगा इसे, और लगाने के बाद मैं इसको साफ़ कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लगा दिया, अब मैं इसको थोड़ी देर रहने देता हूँ, उसके बाद हिला डुला के इसको मैं साफ़ कर देता हूँ दोस्तों। इंसेक्ट किलिंग पाउडर चारों तरफ अच्छे से लगा के मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अब इसकी फिक्सिंग की बात, ये फिक्सिंग कैसे करनी है दोस्तों। अब ये फिटिंग किस तरीके से करना है इस केज में देखें, कोई इसमें रास्ता वगैरह नहीं होता कि इसमें हम फिट कर सकें,
तो उसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है जी। सजू भाई के घर में भी इससे छोटा केज लगा हुआ है और बजरी वाला बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर जोड़ा जो है बहुत अच्छे से ब्रीड करता है, पांच पांच छः छः बच्चे निकालता है, ठीक है जी। मैंने पहले भी इस तरीके से बजरी इसकी ब्रीड की है, ये जो है बजरी तोते हमारे बजरी आराम से ब्रीड करते हैं। अब आपने पहले साइज़ देख लेना है आपकी, कितनी तारें ये कट होंगी, यहाँ से तारें कट होंगी क्या, मैंने इस तरफ से दिखाएं फोकस करके, ठीक है जी। तो तारें देख लें, 1 2 3 4, ये चार तारें आपकी कट होंगी, आपने प्रॉपरली तारें कट करनी है। उसके बाद एक नट लगेगा इस तरफ से लग के, यहाँ पर जो है आप यहाँ से एक सपोर्ट दे सकते हैं, एक नट लगेगा इसकी छत में जो कि आप सपोर्ट दे सकेंगे जी। दोस्तों अब दो नट चाहिए होंगे आपको, छोटे छोटे नट होंगे ये बेहतर है, ये बेस्ट है, ठीक है जी। बड़े हों तो भी कोई इशू नहीं है। अब आपने चेक कहाँ से करना है ये मैं आपको बताऊँ, कैमरामैन पीछे आएँ, कैमरामैन यहाँ से आप दिखाएँ हमारे व्यूवर्स को कि नट हमने जो इसको सेंटर कर लें, नट हमने लगाना इस जगह, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे निशान कर लें, इस जगह लगाना है हमने अपने बॉक्स की सपोर्ट के लिए, यहाँ पे आके ये नट लग के हमारे बॉक्स को यहाँ से, एक नट यहाँ से सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और एक नट हमारा ऊपर से दिखाएं, एक नट हमारा बॉक्स को यहाँ से सपोर्ट करेगा, ये नट लग जाने के बाद बॉक्स बिल्कुल टाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। ठीक है जी, जहाँ आपने मार्क किया था वहाँ आपने नट को टाइट कर लेना है, पूरा टाइट नहीं करना है नट को, सिर्फ थोड़ा सा बाहर रखना है ये सपोर्ट के लिए, और इतना भी लूज़ नहीं छोड़ देना है कि ये सपोर्ट ना दे सके, लगे और गिर जाए या निकल जाए। तो अब ये चेक करें, नट को हमने सपोर्ट देना है यहाँ से, ऐसे ये नट किस तरीके से इसको सपोर्ट करेगा, समझ गए दोस्तों। अब एक नट लगेगा ऊपर, ऊपर से दिखाएं कैमरामैन, एक नट हमने ऊपर लगा देना है इसकी छत में, ताकि ये ऊपर से सपोर्ट करे, और ज़्यादा हो तो हम इसमें सेटिंग का तार बांध सकते हैं एहतियात के लिए। तो इस तरीके से दो नट लगेंगे, कैमरामैन नीचे वाला भी दिखाएं, तो ये दो नट लग के इस तरीके से काबू हो जाएगा पूरा बॉक्स, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपने वायर सिलेक्ट कर लेनी है कौन कौन सी कट होंगी, तो वो आपने एक एक करके कट कर लेनी है। यहाँ से मैंने चार सिलेक्ट करी थी, तो कोशिश ये करनी है कि कट इस तरीके से हो कि आपका बर्ड को लगे नहीं, बिल्कुल एच पे से कट कर दीजिएगा इसको, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, ये चार वायर्स हमारी कट हो गई, इनको पूरा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ऊपर करें, ऊपर करने के बाद क्या करना है ये मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली रूफ में एक सिर्फ होल बना लें कि आपका नट टाइट हो जाए, चेक कर लीजिएगा ये नट बाहर ना आए, ताकि आपके बर्ड्स को लगे नहीं। अब ये खोल के आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, और अगर आप ऐसे लगा दें ऐसे लग रहा है तो ऐसे ठीक है, तो आप खोल के से ऊपर से भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। अभी खोल के लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नट नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अब मैं जो है फिक्सिंग करने जा रहा हूँ इसकी, तो अब जो है ये तारों की वजह से ये नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तारें जो है साइज़ में फ़र्क डाल रही हैं, तो आप ये तारें भले निकाल दें, क्योंकि इससे लगने में उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमारे बॉक्स को, तो ये तारें आप घुमा के निकाल दें, ये आराम से निकल जाती हैं, इनका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब आप अपना बॉक्स लगा सकते हैं ईजिली, इसके बाद आपका जो नट है, उसके बाद आपका ये जो नट है आप इसे टाइट कर दें। छोटा लगाने का यही मसला होता है कि छोटा लगा देंगे तो वो हाथों हाथ फिक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है जी। अब ये बॉक्स वैसे आपका कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से दिखाएं कैमरामैन, बॉक्स बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है जी। ये चेक कर लें, बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे लग चुका है दोस्तों, और ये बॉक्स कहीं पे भी नहीं हिलेगा, कोई भी इसको हिलाए डुलाए, तो ये है कि ऊपर से कितना इस पर लोड डाल लें ये बॉक्स यहाँ से निकलेगा नहीं, और इतनी कोई स्पेस भी नहीं है कि आपका बर्ड बाहर निकल सके इसमें, ठीक है जी। ये लग चुका है हमारा बॉक्स, और अगर आप चाहें तो इधर दिखाएं कैमरामैन, आप चाहें तो एक तार हुए सेटरिंग की तार ले लें, कोई सी भी तार ले लें कि आपको डर है कि आपका बॉक्स गिर जाएगा, तो आप इसको लपेट सकते हैं, ठीक है जी। एक एहतियात के तौर पे कि हम तार से भी बाइंड हो जाएगा ये, तो एहतियात के तौर पे आप इसको लपेट सकते हैं ताकि ये गिरे ना, ठीक है दोस्तों। अब तो और ये मजबूत हो चुका है, इसको कोई डर नहीं है अब जी दोस्तों। तो मैं इसमें अभी ये प्लास्टिक वाली लकड़ी लगाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, प्लास्टिक वाली स्टिक,
अब इसका साइज़ ले लिया मैंने, अब मैं इसको काट के इसके हिसाब से रिसाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये आराम से कट जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आरी का ब्लेड ले लें, कोई भी तेज़ धार वाली चीज़ ले लें, ये आराम से कट जाती है। तो आप इसको काट कट कर लें। ठीक है, बिल्कुल ईजीली ये निकल जाती है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी, प्यार से आ गई। अब आप इसका जो है दोबारा लगाएं, उसके बाद इसको बिल्कुल परफेक्ट जगह जो आ रही है वहाँ पे आपने फिट कर देना है। ठीक है जी, ये चेक करें। ठीक है जी दोस्तों, आप इसको आराम से फिट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये परफेक्टली जो है लग चुकी है डंडी आपकी। अब आपको सिर्फ बजीज इसमें छोड़ने की देर है, इसमें आराम से मेटिंग वगैरह भी जो है क्रॉस भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है जी, ये दाने पानी की पॉट्स लगा दीजिए, ये छोटी पॉट्स हैं, तो बड़ी पॉट्स जो है इसकी जो प्रॉपर पॉट्स आएंगी आपने पॉट्स लगा देनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये पॉट्स आ गई हैं, तो दाने पानी की पॉट्स लग चुकी हैं। अब सिर्फ कैल्शियम की टिकिया लगाने की देर है, वो मैं लगा दूंगा इनकी, और हमारे बजीज को छोड़ने की देर है। ठीक है जी दोस्तों, परफेक्ट कैच तैयार है, और पूरी वीडियो जो है डिटेल में बताई है मैंने आप लोगों को। अब बस हम इसमें बजीज छोड़ते हैं, उसके बाद यही हमारा थंबनेल होगा। तो दोस्तों आप चेक कीजिएगा, जिसमें मटकी वगैरह नहीं लगती, बॉक्स में ब्रीड आराम से करते हैं बजीज। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं मटकी में ब्रीड करते हैं बॉक्स में नहीं करते, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, बॉक्स में भी ब्रीड कर जाते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, जो दोस्त डरते हैं बजीज पकड़ने से, उनके लिए बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं आराम से पकड़ लेता हूँ। जो दोस्त मेरे डरते हैं कि बजीज पकड़ें कैसे, तो उनके लिए एक सबसे सिंपल हल है कि आपने बजीज को अंदर करना है ऐसे। ठीक है जी, बजीज को अंदर करने के बाद आपने डोर क्लोज़ करना है। डोर क्लोज़ करने के बाद स्लो स्लो से आप जाली को हाथ से बाहर निकालेंगे, आपके बजीज आराम से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इनको जो है प्रॉपर जगह पर मैं टांग दूंगा जहाँ मैंने इनको रखना है। ठीक है दोस्तों, इनको प्रॉपर जगह पे टांग के आप लोगों के साथ शेयर कर। ठीक है दोस्तों, इनके लिए एक मैंने प्रॉपर जगह सेट की है यहाँ, जहाँ पे हम दूसरे घर में हैं। ठीक है, तो होप अब यहाँ से इनको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और ये जब तक हम यहाँ हैं ये यहाँ रहते रहेंगे, और फिर दूसरी जगह भी जाएंगे, तो जैसे मतलब हम अपने घर में दोबारा जाएंगे, तो जब ये ऐसे ही केस के समय चले जाएंगे दोस्तों, तब इनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अभी बर्ड बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, ये भी मुर्गा मुर्गी भी, बारिशों की वजह से, घर की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है जी, मैं एक ऊपर का व्यू करा देता हूँ हमारे असील्स कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, व्यू कर लें माशाल्लाह, ये हमारी छत का और सारा कबाड़ा फैला हुआ है अभी, तो असील्स वगैरह जो हमारे यहाँ घूम रहे हैं मज़े से। मैंने इनके लिए छोटा केज अब ये कर दिया है, छोटे केज के अंदर है, खुड्डे वगैरह इनके लिए बंद कर दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, तो काम वगैरह चल रहा है। ठीक है, बाहर का प्लास्टर हो चुका है, अब थोड़ा सा काम रहता है वो करवा के इंशाल्लाह बस हम घर में शिफ्टिंग करेंगे, और उसके बाद सारी वीडियोस मामूल के साथ आती रहेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है जी, मेहनत लगी है तो थोड़ा बहुत काम भी है, सारी चीज़ें ये इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें जो ये इफ़ेक्ट हैं मतलब कि इनका जो है असर होता है बर्ड्स पर, और अमल दरामद करेंगे तो ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं, एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। ये नहीं है कि पहली बार कोई चीज़ भी हम एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के साथ शेयर करें, तो सारी चीज़ें ये आजमाई हुई हैं दोस्तों। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।